दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। जोन क्रमांक 16 वार्ड क्रमांक 1 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मोहल्ले के रहवासी द्वारा वार्ड क्रमांक 1 में पानी की समस्या को लेकर शेरपुर पानी की टंकी के नीचे रोड पर बैठकर प्रदर्शन किया और अधिकारी को अवगत कराया गया कि पानी की समस्या काफ़ी है, कृपया इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा प्रदर्शन जारी रहेगा। अनुराग यादव आप पार्टी जिला यूथ विंग अध्यक्ष मोहम्मद अशफाक, रवि चौहान, अनस शेख, शैली रणावत, मनोज यादव, रामदेव सोलंकी, नाजमा मैडम, वीरेंद्र चौहान, रानू खान, युवराज सिंह, सुशांत तिवारी, अमित यादव, काशिफ खान, आमोद गुप्ता आदि लोग शामिल रहे। देने लाइन में परेशानी आती है हमारे को, लाइन का बोला कि लाइन डल जाएगी, आपके इधर लाइन नहीं डली अभी तक, मई में चालू कर देंगे हम टंकी। फिर टैंकर बुलवाते हैं, दो दो चार चार दिन में वो भी आता है, पार्षद के पास में जाता है, पार्षद लगा देता है हमको, कहते जाओ तुम्हारे वार्ड वालों से बोलो। कौन पार्षद है जो? अभी तो हमारे इधर के महेश चौधरी है जी। बताइए, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और बहुत परेशान है कॉलोनी के लोग। टैंकर प्राइवेट मंगवाते हैं, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा 500 रुपये करती है, 400 के ऊपर 500 करती है, बहुत तकलीफ है पानी। हमको कोई दंदौलत नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पानी चाहिए, टंकी चालू हो जाए। जो पैसे ले रहे हैं इसकी शिकायत है कि आप देख रहे हैं जैसा कि पीछे पानी की टंकी 4 साल से बन चुकी है जिसका सप्लाई अभी तक चालू नहीं हुआ है, और जो तत्कालीन पार्षद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने एक मुद्दा बना लिया कि जहाँ निचली बस्ती के लोग हैं आवाज़ नहीं उठा पाते, तो हम उनकी आवाज़ बन के आए। हमारी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत जनता है और हमने उनको वादा किया है कि हम आपका जो नर्मदा का जल है वो उनके घर घर पहुँचाएंगे। आज इतनी बुरी स्थिति है क्षेत्र में कि ये जो स्थानीय लोग हैं वो मजबूर हैं पैसे से दे के पानी लेके, तो हमने उनको वादा किया है। और ये जो हमने जोन अधिकारी से ही बात की नगर निगम में, तो उन्होंने बोला हम 3 टैंकर चला रहे हैं, तो उनसे बात की कि 3 टैंकर इतनी सारी जो जनता है उसके लिए पर्याप्त कैसे है, तो उन्होंने बोला कुछ 8 टैंकर हमने किराए से भी लिए हैं, मिला नहीं इतनी परिपूर्ण नहीं है, और जो टैंकर है वो पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो हमने उनको वादा किया, जनता के बीच में भी गए। क्या परेशानी है रहवासियों की और किस तरह से निगम इसको खत्म करने की कोशिश कर रही है? रहवासियों की मांग ये है कि जो अपनी सिरपुर टंकी है उसको वो चालू करवाना चाह रहे हैं, उससे लाइन भी बिक रही है, उनका कहना है कि जितनी जल्दी चालू होगा हमको पानी मिलेगा, तो लगभग एक महीना अपेक्षित है, एक महीने तक हम पूरा चालू कर रहे हैं, जब तक ये चालू नहीं है तो गर्मी को देखते हुए हम 5 टैंकर हम पानी दे रहे हैं। जो इनकी शिकायत है कि कुछ जगह पे नहीं मिल पा रहा है पानी, डिमांड करें तो नहीं मिल पा रहा, तो वो मैं इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पर रहूँगा कि मुझे डायरेक्ट बताएं कहाँ का दिक्कत है, मैं उसको कॉल करूँगा। अभी कुछ इनका कहना भी ये भी है कि कुछ टैंकर है जिससे कि क्षेत्र में पानी आपकी आपूर्ति नहीं हो पा रही, तो टैंकर